देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद में बुनियादी सुविधाओं के हाल बुरे हो चुके हैं। बिजली की आपूर्ति बहुत बुरे ढंग से की जा रही है, अटक अटक कर बिजली आ रही है, घंटों बिजली गुल हो रही है, बिना घोषित कटौती हो रही है। शहर हो या गांव, देहात हो या मजरा, या हो टोला, हर जगह जनता बेहाल है, परेशान है। कमलनाथ की सरकार बंटा ढार का दूसरा संस्करण बनकर सामने आई है। 15 साल पहले जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, उसकी याद ताज़ा लोगों को हो आई है। गर्मी बेतहाशा है, टेम्परेचर 45 को पार कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर बिजली की आपूर्ति नहीं है। ये कभी कर्मचारी पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी भाजपा पर ठीकरा फोड़ते हैं। चुनाव बीत गया, अब कौन दोषी है? अब केवल और केवल सरकार, कांग्रेस की सरकार की निकम्मापन, हीला हवाली। कौन से कंपनियों से इनके क्या सौदा समझौता है? क्यों सरप्लस स्टेट होते हुए बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है? सवाल ये है, इसके पीछे कौन सा घपला घोटाला है? निश्चित तौर पर सामने तो आएगा, उजागर तो होगा। ये केवल और केवल कोई घपला और घोटाले के कारण, सरप्लस स्टेट होने के बावजूद भी जनता को बिजली नहीं दे रहे हैं। सारी जनता त्रस्त है और कांग्रेस सरकार मस्त है। हुआ है पूरे मध्य प्रदेश देखिए, में। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार में भीषण सूखा होने पर भी पेयजल संकट नहीं होने दिया, चाहे राइजिंग पाइप के माध्यम से हो, टैंकर्स के माध्यम से हो, या किसी दूसरे परिवहन के माध्यम से लोगों को जल उपलब्ध कराया, पानी उपलब्ध कराया। लेकिन ये सरकार की निकम्मापन की हद है कि पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है कांग्रेस की सरकार। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। ये जो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे सकते, उनको कोई हक अब बचा नहीं है सरकार में रहने का। बिजली को लेकर लगातार बिजली गुल की और कटौती की प्रदेश भर से शिकायतें आ रही है। बिजली सरप्लस मौजूद है, उसके बावजूद भी शिकायत आ रही है, तो मुख्यमंत्री ने सारी शिकायतों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। कड़ी कार्रवाई की उन्होंने चेतावनी दी है, अधिकारियों को सुधरने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है जहाँ भी शिकायतें हैं, त्वरित तत्परता से उसको हल किया जाए। अधिकारी ऑफिस छोड़कर फील्ड में जाएं, समस्याओं पर ध्यान दें, जोनवार शिविर लगाएं और जनता की समस्याओं का निराकरण करें। मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा, मैं इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यदि एक भी शिकायत इस तरह की आई तो भविष्य में कड़ी कार्रवाई करूंगा।